हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक निदान स्थान चैप्टर नंबर 7, उन्माद। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी जो रोज़ की डेली क्लासेस है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप फुल BMS सिलेबस कवर करने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उन्माद चरक निदान 7। उन्माद के भेद कितने होते हैं? उन्माद के भेद हैं 5। उन्माद के 5 भेद कौन से हैं? 3 तो दोष हो गए, वातपित कफ, एंड 2 हैं सन्निपातज एंड अगंतुज। जो वातपित कफज उन्माद हैं वो साध्य हैं, सन्निपातज एंड अगंतुज उन्माद असाध्य हैं। उन्माद की संप्राप्ति क्या है? उन्माद की संप्राप्ति यही है कि जो निदान होते हैं, जैसे कि अनुचित आहार विहार का प्रयोग करना, भय और तंत्र प्रयोग को, जैसे मंत्र तंत्र जो उनका प्रयोग करने के नियम होते हैं, उनसे विपरीत नियमों से उनका प्रयोग करना, और अतिशीन शरीर, इनसे क्या होता है कि दोष प्रकोपित हो जाते हैं, वातपित कफ एंड मनोवाही स्रोतों को आवृत कर लेते हैं, जिससे उन्माद उत्पन्न हो जाता है। उन्माद का जो स्वरूप या प्रत्यात्मक लक्षण क्या है? दोनों एक ही थिंग है, स्वरूप या प्रत्यात्मक लक्षण ये है मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार, इनका विषम हो जाना और उन्माद का उत्पन्न हो जाना, दैट इज स्वरूप ऑफ उन्माद या फिर प्रत्यात्म लक्षण। उन्माद का पूर्व रूप क्या है? सबसे पहले तो स्वनय करने हो, मतलब कि जो शब्द नहीं होते उनका भी सुनाई देना, जिसको हम मॉडर्न में साउंड हेलुसिनेशंस बोलते हैं। उच्छ्वास अधिक्यम, बहुत ज़्यादा सांस को बाहर निकालना, मतलब कि जो श्वास है उसको एक्सपिरेशन बाहर अधिक निकालना। और ज्वर भीक्षणम, वेरी इंपॉर्टेंट, छर्दी भीक्षणम हमने पढ़ा था, रक्तपित्त का लक्षण था, उसी तरह से भ्रम भीक्षणम अपस्मार का, एंड ज्वर अभीक्षणम उन्माद का, और श्रोथो अभीक्षणम हमने पढ़ा था राज्यक्षमा का पूर्व रूप होता है। तो ज्वर अभीक्षणम उन्माद, एंड इसके अलावा उदर्द रोग होना, और जो फेशियल पैरालिसिस जैसी आकृति होती है वैसी आकृति पेशेंट की हो जाती है, अर्धित आकृति होना। स्वप्न भीक्षणम दर्शनम, मतलब कि स्वप्न में विभत्स दर्शन होना। तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, मतलब कि बवंडर के बीच में जैसे फंसे हुए हों ऐसी फीलिंग आना। तो ये उन्माद के पूर्व रूप थे। अब चलिए चलते हैं इनके अलग अलग भेदों पे। दोस्तों, आपको मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, हमारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? हमारे लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ऑनलाइन आपको बहुत सारे चैनल्स पर जो है डिटेल में एक एक चैप्टर का लेक्चर मिलता होगा, बट उसमें आपको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं एक एक चैप्टर को सुनने में, जिसमें वो पूरे पॉइंट्स कवर करते हैं। मैं भी पूरे पॉइंट्स कवर करती हूँ, बट मेरे लेक्चर टाइम सेविंग होते हैं। जो लेक्चर आप 20 से 25 मिनट के बीच में उन्माद के ऊपर सुनेंगे, वही लेक्चर आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट में सुन लेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है इसमें, विद रिवीजन इंक्लूडिंग। रिवीजन के साथ साथ आप ये पूरा चैप्टर मेरा सुन लेते हैं। तो मेरे चैप्टर्स में सारा सिलेबस, उस चैप्टर के रिलेटेड एक एक पॉइंट कवर होता है, रिवीजन भी हो जाता है, और आधे से भी कम टाइम लगता है। ये चैप्टर फॉर एग्जांपल 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको कोई और ऑनलाइन चैप्टर सुनने में उन्माद का, या फिर पढ़ने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मेरे इस चैप्टर को, इस एपिसोड में इस चैप्टर को आप याद कर सकते हैं केवल 7-8 मिनट में, ठीक है? और इसमें शर्त ये है कि कोई भी पॉइंट भी नहीं छूटेगा। तो मेरे लेक्चर्स टाइम सेविंग होते हैं, ये आपको फ़ायदा हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें वातज उन्माद जो है वो फेन आगमन आस्यात, मतलब कि मुख से झाग निकलना, ये वातज उन्माद का लक्षण होता है। और जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति की इच्छा होनी, अलब्धेशु लब्धेशु, ये शब्द इसके लिए प्रयोग किए गए हैं। और जो सवारी ना हो, कुछ भी लकड़ी आदि कुछ भी, उसी को सवारी मान लेना। उत्पिंडित अरुक्षण अरुण अक्षता, उत्पिंडित अरुण अक्षता, आँखें बाहर की ओर निकली हुई होनी और अरुण वर्ण की लाल रंग की होनी। गीत गाना, गाना बजाना, नाचना, ये सब वातज उन्माद के लक्षण हैं। इसके बाद आ जाता है पित्तज उन्माद। पित्त मतलब कि क्रोध, आमर्ष, आमर्ष मतलब कि टॉलरेबल ना कर पाना, सहन शक्ति बहुत कम होना, क्रोध होना, आँखें ताम्र, हरी, लाल, हल्दी के वर्ण की, पीली जैसी, और सूजन युक्त, स्वेलिंग जैसी आई होती है आँखों में। और पित्तज उन्माद के लक्षण ये होते हैं, तूष्णी भाव। तूष्णी भाव मतलब कि एक ही स्थान पर बैठे रहना, मौन रहना, सफाई से विमुख रहना, अनहाइजीन कंडीशन में रहना। चिकित्सा सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्माद का क्या होता है कि भोजन विधानम च यथा स्वम युक्त्या, मतलब कि विधिपूर्वक भोजन करना, कारणों से विपरीत जो है निदान से विपरीत औषध का सेवन करना, सिरा विरेचन मतलब कि रक्त मोक्षण करना, ठीक है? 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, विधिपूर्वक भोजन करना और
कारण से विपरीत औषध का सेवन करना एंड सिरा विरेचन यानी कि रक्त मोक्षण जो है एडवाइजेबल है। अगंतुक उन्माद का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रज्ञाभ्रात। प्रज्ञाभ्रात मीन्स कि धी धृति स्मृति का विभ्रंश होना, जिसमें पूर्व रूप क्या होते हैं कि जो देवता गो ब्राह्मण इनकी हत्या करने की रुचि, इंटरेस्टेड होना इनको मारने में, क्रोध आना, दूसरे का अपकार में इच्छा होनी, मतलब कि दूसरे का गलत सोचना, गलत हो जाए उसका बुरा सोचना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना। एंड अगंतुक उन्माद का समय क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। और इसमें एक श्लोक है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें और क्या होता है। जो देव आदि होते हैं, ग्रह होते हैं, गंधर्व होते हैं, इनका जो है रोगी में प्रवेश हो जाता है और फिर ये जो पूर्व रूप जैसे लक्षण आते हैं, तो इनका जो ग्रह ये सब इनका प्रवेश होने के कारण क्या होते हैं, ये क्यों इनका आवेश आता है? इनमें तीन कारण है। हिंसा के कारण आता है, रति के कारण आता है एंड अभ्यर्चन के कारण आता है। मतलब हिंसा, दूसरों के हिंसा करने के कारण से इनका आवेश होता है देव आदि ग्रहों का, या फिर रति मतलब मैथुन करने की इच्छा से इनका आवेश होता है, या फिर अभ्यर्चन मतलब पूजा करने की इच्छा से इनका आवेश होता है। हिंसा, रति एंड अभ्यर्चन। हिंसा जो कारण है वो असाध्य है, रति एंड अभ्यर्चन जो है वो साध्य है। और इसके बाद एक श्लोक है इस चैप्टर के लास्ट में, वो है आत्मनेव मन्यते कर्ताराम सुखत दुख्यो। मतलब कि जो सुख दुख का कारण इंसान स्वयं होता है, इसीलिए ये जानते हुए हमें एक अच्छे मार्ग को चूज़ करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये आत्मनेव मन्यते कर्ताराम सुख दुख्यो, ये जो रेफरेंस है चरक निदान चैप्टर नंबर 7 उन्माद का है। तो उन्माद में हमने वातपित कफ सन्निपातक अगंतुक भेद पढ़े हैं, जिसमें वातपित कफ तीनों दोषों के भेद जो हैं साध्य हैं, अगंतुक जो है असाध्य हैं। संप्राप्ति में निदान का जो कारण जो है उसका सेवन करना है। निदान सेवन के बाद दोष प्रकोपित होकर मनोस्त्रोत को आवृत कर लेते हैं। इसके बाद इसका प्रत्यात्म या फिर स्वरूप यह है मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार इसका विषम होना, ये उन्माद का प्रत्यात्म लक्षण है और यही इसका स्वरूप है। पूर्व रूप में इसका आ जाता है स्वन्य करने, मतलब कि साउंड हेलुसिनेशन, जो शब्द नहीं है उनको भी सुनना, उच्छ्वास का अधिक्य होना, ज्वर अभीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट, उदर रोग के साथ अर्धित आकृति होनी, जैसे कि जो फेशियल पैरालिसिस है उसके जैसी आकृति होनी, जैसा कि मुंह टेढ़ा हो जाना फेशियल पैरालिसिस में, वैसे ही उन्माद में लक्षण आते हैं। स्वप्न भीक्षणम दर्शनम, ठीक है, स्वप्न में विभत्स दर्शन होने, तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, जैसे कि भंवर में फंस जाना ऐसा प्रतीत होना। वातज उन्माद में जो मेन लक्षण थे अलब्धेशु लब्धेशु, मतलब कि जो वस्तु की इच्छा, जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्ति की इच्छा होनी, अलब्धेशु लब्धेशु। फेन आगमन अस्याथ हमने पढ़ा था, और उत्पीड़न अरुणक्षता। पित्तज में आमर्श पढ़ा था, क्रोध आँख का मतलब कि अरुण लाल ताम्र लाल वर्ण का हो जाना, सूजन युक्त हो जाना। और तूषणी भाव जो है वो कफच उन्माद में बढ़ा था, कि एक जगह पे बैठे रहना, अकेले बैठे रहना, मौन बैठे रहना, सफाई से विमुख रहना। चिकित्सा सूत्र में हमने पढ़ा था भोजन विधानम च यथास्वम युक्ते, मीन्स कि विधि पूर्वक भोजन करना, कारण के विपरीत औषध का सेवन करना एंड सिरा विरेचन यानी कि रक्त मोक्षण ये एडवाइजेबल है। अगंतुक उन्माद में क्या है कि देखिए सन्निपातक उन्माद में मिश्रित लक्षण बनेंगे। अगंतुक उन्माद का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। और इसमें देवता आदि जो गो ब्राह्मण है इनकी हत्या करने में, मारने में इनमें रुचि रखना, क्रोध है, दूसरे का अपकार में इच्छा करनी, और देव आदि ग्रहों के आवेश के तीन कारण बताए थे, हिंसा, रति, अभ्यर्चन। जो हिंसा है वो असाध्य है, हिंसा वाला आप याद रखिए असाध्य है, एंड रति अभ्यर्चन जो है वो साध्य है। एंड इसके अलावा जो उन्माद का समय है अगंतुक उन्माद का, वो अनिश्चित बताया है। आत्ममनेव मन्यते कर्ताराम सुख दुखियो, ये इस चैप्टर का श्लोक रेफरेंस है। मीन्स कि हम स्वयं ही सुख दुख का कारण होते हैं, इसलिए हमें अच्छी राह चूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों 9 मिनट में हमने ये आपको चैप्टर करवा दिया है, आप इसको बार बार सुनिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करे हैं किए हैं एंड तो आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये जो एपिसोड है मेरा, ये सुनने के बाद आपका एक भी MCQ गलत नहीं होने वाला है। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 चरक निदान 8 अपस्मार। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।